चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात बुलडोजर एक्शन की करते हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हमेशा से सवालों में रहता है। हर कार्रवाई के बाद ये आरोप आम है ना कि सरकार ने कहीं जाति देखी, कहीं धर्म देखा, कहीं पार्टी देखी, तो कहीं अपना पराया किया होगा। बुलडोजर जो है वो फर्क करता है, ये आरोप लगते हैं ना। अब ऐसे आरोपों की सच्चाई उजागर करने वाली एक तस्वीर आई है साहब, यूपी के सिद्धार्थनगर से। सुनिएगा खबर। बुलडोजर एक्शन की इन तस्वीरों को देखने के बाद हर कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को जवाब जरूर शायद मिल जाएगा। सिद्धार्थनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में शहर की कोतवाली और तहसील भी नहीं बचे। अतिक्रमण हटाने के लिए आए दस्ते ने थाने के मुख्य गेट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। थाने पर बुलडोजर, थाने का जो मुख्य गेट था, थाने पर बुलडोजर। वहीं तहसील के अवैध कब्जे को भी साफ कर दिया बुलडोजर ने। बुलडोजर कोई फर्क नहीं करता, अतिक्रमण अवैध है, फिर चाहे पुलिस का है किसी का है, फर्क नहीं करता। मतलब एक वो विभाग तहसील, सोचिए, जहां तहसील के पास जो बुलडोजर चला है कि तहसील के, ये थाने का गेट है, ये थाने का, पुलिस थाने का गेट है। यहां पर कुछ बहस भी हुई है वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन थाने का ये मुख्य गेट, और उस गेट को थाने पर बुलडोजर चला दिया गया। तहसील के अवैध कब्जे को भी साफ कर दिया गया। मतलब एक वो विभाग जो अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा के लिए मौजूद रहता है ना, तहसील, उसका थाना भी बुलडोजर से नहीं बचा। और एक वो विभाग जो अतिक्रमण की पूरी कार्रवाई का ऑर्डर देता है, जो अतिक्रमण की कार्रवाई का ऑर्डर देता है ना, एक वो विभाग, उसकी तहसील भी नहीं बची बुलडोजर से। हालांकि दौरान कहा सुनी खूब हुई, थाने के इंस्पेक्टर और सर्कल ऑफिसर ने कार्रवाई करने वाली टीम को थाने पर एक्शन से रोकने की पूरी कोशिश की सर्कल ऑफिसर ने, लेकिन अतिक्रमण था तो बुलडोजर एक्शन के बाद ही लौटा। कोई दलील काम नहीं आई साहब, सर्कल ऑफिसर साहब की और ना इंस्पेक्टर साहब की। अतिक्रमण अभियान के दौरान कार्रवाई करने आए एडीएम और एसडीएम से इंस्पेक्टर की बहस को एक बार आप भी सुनिए। सुनाइए आप करिए, अभी आप कहिए ना, एडीएम साहब कह रहे हैं आप सिंबॉलिक आगे तोड़ लीजिए, बनी नहीं है जब बने आगे, जैसे सबके मकान टूटे वो मेरा गिरा दो, तहसील गिरा दो, पहले तहसील गिरा दो। मतलब पूरा मामला दरअसल क्या है, सड़क पर अतिक्रमण का, अवैध अतिक्रमण। दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ सड़क की चौड़ाई 18 मीटर है, लेकिन अतिक्रमण की वजह से सड़क सिर्फ 8 मीटर की रह गई थी। बाकी सड़क के हिस्से पर लोगों ने अवैध कब्जा करके निर्माण करा लिया। प्रशासन की कार्रवाई इसी अवैध कब्जे के खिलाफ थी। प्रशासन के नोटिस पर कुछ लोगों ने तो पहले ही अपना अवैध कब्जा हटा लिया, लेकिन जिनका कब्जा नहीं हटा उनके खिलाफ ही अभियान था। और अवैध कब्जे की इस लिस्ट में थाना कोतवाली, तहसील भवन और पंचायत भवन भी शामिल था। मतलब थाना, थाने के गेट, तहसील भवन और पंचायत भवन भी इसमें शामिल थे, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। इस बुलडोजर एक्शन में ना रसूख देखा गया, ना विभाग देखा गया, ना कोई दलील सुनी गई, देखा गया तो सिर्फ अवैध कब्जा। अवैध कब्जा जो भी इस दायरे में आया जमींदोज हो गया। मतलब बुलडोजर एक्शन में सब कुछ बराबर कर दिया जाता है। ये हमारे ईओ तो शासी अधिकारी नौगढ़ द्वारा दो बार नोटिस दी गई, नोटिस देने के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया, तो कुछ उसको हटाने के लिए आज कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से हटाया और जो लोग स्वेच्छा से नहीं हटाए उसकी कार्रवाई विधिक रूप से की गई है।